मैं कभी ये यूज करूंगा कि बेटा हमने देखो ये बता पढ़ा था, फिर आपको हर बार ये लगेगा हाँ शायद पढ़ा हो हाँ शायद ना पढ़ा हो, तो वो सिचुएशन आ जाएगी ना। इससे जस्ट ये पहले तो बैच था यार, उसमें भी बच्चों की क्लासेस होंगी, उसमें स्ट्रेंथ पता कितनी थी, 67 बच्चे थे जस्ट उसमें। बोलो राशि कुछ बोल रही थे बेटा, नो सर, गलती सर। कोई बात नहीं चलो ठीक है। हाँ तो अब बात थी मीन एब्सोल्यूट एरर की, राइट। तो बाय द नेम इटसेल्फ वी कैन से कि यार एब्सोल्यूट एरर्स हैं, उसका अगर हम मीन ले लें, अर्थमेटिक मीन ले लें, तो वो हमारा होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। अब देखो अर्थमेटिक मीन लिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर किसका, एब्सोल्यूट एरर्स का। तो देखो फर्स्ट रीडिंग के करस्पोंडिंग जो हमारी एब्सोल्यूट एरर थी वो थी डेल्टा ऑफ A1, यानी A1 रीडिंग यानी पहली रीडिंग, उसका एब्सोल्यूट एरर डेल्टा लगा दिया, तो फाइनल डिफरेंस बिटवीन व्हाट मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ये आ गया। अब देखो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको बताया था कि बेटा हम मोड लेते हैं खाली, वी आर इंटरेस्टेड इन द मैग्नीट्यूड। फिर पूछा था कि यार मोड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कैलकुलेटिंग मोड, मोड फंक्शन यानी कि मॉडुलस, कुछ वैल्यू है जिस जो नेगेटिव में, राइट, -0.1 है मान लो, अगर इसका मॉडुलस लेते हैं तो ये क्या होगा, 0.1 के इक्वल होगा, यानी कि पॉजिटिव वाली वैल्यूज तो पॉजिटिव ही रह जाएंगी और नेगेटिव वाली वैल्यू का भी सिर्फ हम साइन ड्रॉप करके मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो सिर्फ हम पॉजिटिव पॉजिटिव चीजों को ऐड करते यहाँ चले जाएंगे और फिर उसका मीन ले लेंगे, राइट। तो सिमिलरली जैसे हमने एब्सोल्यूट एरर में वी वर यूजिंग एब्सोल्यूट एरर, हमने एब्सोल्यूट एरर्स का इस्तेमाल किया था टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू, तो हमने एब्सोल्यूट एरर तो निकाला, सॉरी मेजर्ड वैल्यू तो निकाली, मेजर्ड वैल्यू को हमने मीन किया, मीन करने की वजह से जो उसका अर्थमेटिक मीन आया दैट वाज अवर ट्रू वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर्स को अलग अलग रखेंगे, उनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, तो फिर हमारा आ जाएगा क्या 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 आएगा भाई, एब्सोल्यूट एरर, है ना। ठीक, ये हमने कल तक पढ़ लिया था, ठीक है चलो। फिर इसी को लिखने के तरीके हो सकते हैं, अगर पॉजिटिव साइड में डेविएशन है तो ट्रू वैल्यू, AM तो हो गया ट्रू वैल्यू, अर्थमेटिक जो मीन था तो ये ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर, और नेगेटिव साइड में डेविएशन देखें तो अर्थमेटिक वैल्यू यानी अर्थमेटिक मीन माइनस एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इन्हीं दोनों बातों को एक साथ लिखना है तो प्लस या माइनस था, दोनों को एक साथ लिख दिया तो वी आर सिग्निफाइंग कि भाई प्लस माइनस से कि दोनों साइड में डेविएशन हो सकता है, इधर ऑन द पॉजिटिव साइड और ऑन द नेगेटिव साइड, ठीक ये हमने दिखाया। चलो ये हो गई थी कल तक बात, अब बात आती है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, पढ़ेगा कोई स्टूडेंट मेरे लिए, हाँ यस पढ़ो कंचन, कंचन पढ़ो बेटा। सर, द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर ऑफ मेजरमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर। ठीक है आया कुछ समझ, भारी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल है, बट क्या है देखो बाय साइन इटसेल्फ, ऊपर वाला तो समझ आया कि मीन एब्सोल्यूट एरर है, लास्ट में कैलकुलेट किया ना डेल्टा ए का, अगर मीन ले लिया जाए यानी कि एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लिया जाए, ऊपर ये बार का मतलब समझ आ रहा है ना आपको, मीन अर्थमेटिक मीन। तो अगर ये हमने देखो ए था क्या, ए हमारा रीडिंग था, ए वाज अवर रीडिंग, उसके आगे डेल्टा लगाया मतलब एब्सोल्यूट एरर, और इन एब्सोल्यूट एरर का अर्थमेटिक मीन यानी ऊपर एक डंडा लगा दिया, एक बार लगा दिया, तो दिस मींस कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन है, ठीक। अब ऊपर तो लिखा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर मिया, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ये AM क्या हमारी ट्रू वैल्यू नहीं थी, ट्रू वैल्यू थी कि नहीं थी बेटा, हमने कैलकुलेट किया था देखो इधर यस ट्रू वैल्यू को, बाय टेकिंग द एवरेज, बाय टेकिंग द मीन ऑफ व्हाट मेजर्ड वैल्यूज, मेजर्ड वैल्यूज का हमने मीन लिया तो हमारा AM आया, AM को क्या बोला फिर हमने कि ये हमारी अर्थमेटिक मीन है, यही हमारी ट्रू वैल्यू है, यही हमारी मीन वैल्यू है, या तो उसको मीन बोलेंगे या ट्रू वैल्यू बोलेंगे या फिर अर्थमेटिक मीन बोलेंगे। तो हमें पता चला कि ट्रू वैल्यू AM है, राइट, और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय टेकिंग द एवरेज ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, ठीक है, बाय टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यूज। वही चीज हमने ऊपर रख दी कि ऊपर रख दिया मीन एब्सोल्यूट एरर, नीचे रख दिया ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो ये क्या आया हमारा रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर, इसी को नाम रख दिया, समझ आया। फ्रैक्शनल देखो यस सर। मीन एब्सोल्यूट एरर तक हम आए थे एरर्स का मीन लेते हुए,
और उसी को किसके रिस्पेक्ट में रख दिया कि हमारी जो ट्रू वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में कितने प्रतिशत एरर है ना। मानो कि 100 इज द ट्रू वैल्यू और उसमें 10 जो है एरर का मैग्नीट्यूड है, मीन एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड 10 है, तो कितना कितना उसके रिस्पेक्ट में एरर हुआ, 10/100, कि 100 तो ट्रू वैल्यू थी उसके रिस्पेक्ट में 10 एरर है। अब देखो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमने ऐसा किया, अगले स्टेप में किया परसेंटेज एरर, इट इज द रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो रिलेटिव एरर थी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें परसेंटेज मिल गया कि हमारी मेजरमेंट में कितने प्रतिशत एरर है ना। तो कितने परसेंट एरर होना चाहिए वैसे तो आइडियली बताएगा कोई, कितने परसेंट होना चाहिए एरर बताओ भाई, कितने प्रतिशत एरर होना चाहिए, कंचन बताओ बेटा। सर 10। क्यों, एरर तो जीरो होना चाहिए आइडियली, कोई कोई गलती नहीं होनी चाहिए ना, एरर यस सर। गलती तो कोई नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। देखो हम बात किसकी कर रहे हैं, आप भूल तो नहीं गए यार कहाँ से उठे थे हम लोगों ने। देखो साइंस की बात करी, साइंस से फिर हम फिजिक्स पे आए, फिजिक्स से आने के बाद हम फिजिकल वर्ल्ड पे आए, फिजिकल वर्ल्ड के बाद हम आए फिजिकल क्वांटिटीज पे कि सर फिजिकल वर्ल्ड में जो क्वांटिटीज होती हैं वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज। देन हमने बात करी मेजरमेंट्स की, यूनिट्स की, डायमेंशंस की कि सर उनको मेजर करने के क्या क्या टूल्स हो सकते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स वर क्या, मैथ यूनिट्स है ना, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का ही मैंने बताया था ना, पी क्यू इक्वल्स टू नथिंग बट पी क्यू इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू एंड देयर इज सम यूनिट। तो यूनिट वर वट, मैथमेटिकल टूल्स यार, इसको मेजर करने का फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का मैथमेटिकल टूल क्या है, यूनिट। फिर इसी यूनिट के डायमेंशंस होंगे बेसिक फंडामेंटल डायमेंशंस के टर्म्स में, M0, L0, T0 जो भी डायमेंशंस हो सकते हैं, राइट। उसके बाद अब बात हो गई मैथमेटिकल पार्ट की, फिर हमने बात करी कि इंस्ट्रूमेंट के उसमें क्या रिस्पेक्ट में आएगी चीजें, इंस्ट्रूमेंट की बात करी, फिर हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन की बात करी कि एक्यूरेसी होगी उसका प्रिसीजन होगा, फिर उसमें एरर की बात करी, एरर ऑफ मेजरमेंट में मतलब कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि चाहे हम कितना भी बेस्ट इक्विपमेंट यूज कर लें, कितना भी बेस्ट जो स्किल्ड पर्सन उसको यूज करें इंस्ट्रूमेंट को, देन ऑल्सो देयर आर चांसेस, चाहे वो एरर इतनी छोटी हो 0.00000001 ऐसे हो बिल्कुल, तो बट स्टिल देयर विल बी सम डिफरेंस। ऐसा हो गया ना कि आइडियल कोई केस नहीं हो सकता, आइडियल कुछ नहीं हो सकता, वी हैव टू मैनेज समथिंग। उस तरीके से कुछ तो एरर हो गई, उसी को डिफाइन कर रहे हैं कि एरर को डिफाइन करने का क्या तरीका है। अब जो मेजर्ड वैल्यू थी, मेजर्ड वैल्यू मतलब कि मेजर की हुई जो वैल्यू है, एक्चुअल मेजरमेंट से जो आई है, अगर उसको हम उसमें से अगर हम ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दे, ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दे तो एब्सोल्यूट एरर आ गई, उन्हीं एब्सोल्यूट एरर का अगर मीन ले लें अर्थमेटिक मीन तो वो आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक। अब मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया था यहाँ पे, ठीक है ये। तो अब हम उसी को दूसरा अलग तरीका है लिखने का, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या था, हमने एब्सोल्यूट एरर का मीन दिया डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, मीन वैल्यू क्या थी, ट्रू वैल्यू। अगर जो एरर आई है उसको हम रिस्पेक्ट में प्रोस्पेक्टिव में रख दें, यानी देखो मैं आपसे बोलूं कि यार मैंने एक समझदार बच्चा देखा, ठीक है, फिर दोबारा बोलूं कि सर कि बेटा मैंने उससे भी समझदार बच्चा देखा, तो मैं उनको प्रोस्पेक्टिव में रख रहा हूँ ना। मैं मान लो बोलता हूँ कि आप लोग सब इंटेलिजेंट बच्चे हो, राइट, फिर मैं बोलता हूँ कि यार आप में से एक बंदा है जिसका नाम है प्रमोद, है ना, मैं बोलता हूँ कि प्रमोद नाम का जो स्टूडेंट है ना, ऐसे है नहीं अपने क्लास में कोई प्रमोद, मैं बोलता हूँ कि प्रमोद जो है वो सबसे इंटेलिजेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रमोद को मैंने एक कैटेगरी में रखा कि यार सबके रिस्पेक्ट में रख दिया कि सबसे इंटेलिजेंट है मतलब सब उससे कम इंटेलिजेंट है। इसी तरीके से अगर हम एरर को रिस्पेक्ट में रखें किसके, मीन वैल्यू के, ट्रू वैल्यू के, तो वो क्या हो गई कि एरर मीन वैल्यू के कितने परसेंट है, या एरर मीन वैल्यू से कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड है या कितना कम है। तो आइडियली तो अगर मान लो हमारी ट्रू वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में ये मीन एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी लेस, बिकॉज उससे हमें क्या पता चलेगा कि द इंस्ट्रूमेंट वी आर यूजिंग फॉर द मेजरमेंट इज वेरी एक्यूरेट, है ना। अगर एक्यूरेट हुआ तो हमारा मतलब एरर पहले एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड कम आएगा, उस हिसाब से मीन एब्सोल्यूट एरर का मैग्नीट्यूड कम आएगा, और मीन का एब्सोल्यूट का एरर का मैग्नीट्यूड कम आएगा तो हमारा रिलेटिव एरर का भी मैग्नीट्यूड कम आएगा। क्यों,
क्योंकि इसमें हम एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूले में यूज हो रहा है। मीन रिलेटिव एरर इज नथिंग, वी आर जस्ट कीपिंग एब्सोल्यूट एरर विद रिस्पेक्ट टू मीन 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 वैल्यू, मीन वैल्यू के संबंध में उसको देख रहे हैं कि कितना मीन वैल्यू के रिस्पेक्ट में उसका मैग्नीट्यूड है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ गया परसेंटेज एरर, कि परसेंटेज एरर कितना होगा। ठीक, अब देखो ये बेसिक बेसिक बातें हैं बेटा। तो अब तक जो एरर था एक्चुअल में, तो एरर क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप, मैं बोलूं फॉर एग्जांपल, मैं अंकिता को बोलता हूं कि बेटा आपने मेजरमेंट किया स्केल से, मैंने बोला कि बेटा इस पेन का मेजर, पेन का जो है लेंथ नाप के लाओ, तो और मुझे पता है कि इसका ट्रू लेंथ जो है वो 13.0 है, ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ 13.0 है। अब मेरे को अंकिता बोलती है कि सर मैंने मेजर किया 13.1, तो क्या मेजर, क्या अंकिता ने एरर कर दी मेजरमेंट में, बताओ यस और नो, बोलो भाई सो मत, सब लोग बोलो जिन जिन को है ना, तो कितनी एरर करी अंकिता ने मेरे को बताया कि सर इसका जो लेंथ है वो 13.1 सेंटीमीटर है, बट ट्रू वैल्यू 13.0 थी, तो कितनी एरर हुई, 0.1। ये 0.1 वाली जो एरर है ये कौन सी है, एब्सोल्यूट है क्या है, ये बताओ, एब्सोल्यूट है भाई। देखो एक्चुअल में जो एरर होगी ना, मैं बोलूं कि यार आपने मेजरमेंट में एरर कर दी, तो वो कोई एरर नहीं होगी, दैट इज एब्सोल्यूट, यानी कि जो ट्रू में एक्चुअल में बाय डेफिनेशन ऑफ एरर जो एरर है वो यही तो है कि द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू तो ये थी और डिफरेंस माइनस किया ट्रू वैल्यू तो 0.1 आया, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। क्यों, ये क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक, तो एरर तो एक ही तरीके की होगी, एरर का मतलब एरर है, कि एरर का मतलब बस यही है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, इसके बाद एरर का कुछ नहीं है। अब एरर को देखने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नजरिया है, अलग अलग वे ऑफ कैलकुलेटिंग एरर है, एंड दीज आर नथिंग बट स्टेटिस्टिकल टूल्स, स्टेटिस्टिकल टूल्स टू कैलकुलेट एरर्स, है ना। एरर तो यही हो गई, बस मेजरमेंट में जो गलती हुई दिस इज द एरर, दिस मीन्स कि एब्सोल्यूट एरर है, बाय डिफॉल्ट एरर का मतलब एब्सोल्यूट एरर। अब हम उस एब्सोल्यूट एरर को एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटिंग मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर आया, उसका मीन निकाल लिया जो ए एम आया हमारे पास, सॉरी ये आया डेल्टा ए, मीन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। ठीक, फिर इसको हमने रख दिया, ये आगे वैल्यू, ये मीन था, अब इसको हमने, इसके मैग्नीट्यूड को हमने किसके परस्पेक्टिव में रख दिया, ट्रू वैल्यू के, तो ये हमारा आ गया रिलेटिव, कि कितना रिलेशन में कितना है, रिलेटिवली कितना बड़ा है कितना छोटा है एरर, तो ये हो गया। उसके बाद इसी को 100 से मल्टीप्लाई करा तो परसेंटेज आ गया। तो एरर तो सिर्फ एक ही थी, मेजरमेंट में एरर होगी, बट वही रिपीट रिपीट होके उसको फिर स्टेटिस्टिकली एनालाइज करने के अलग अलग तरीके हैं, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर। गला दुख रहा है यार मेरा, पता नहीं क्यों। हाँ, तो अब ये बताओ कि किस किस बच्चे को एरर का कंसेप्ट समझ आया, कि एरर का मतलब क्या है और ये चीजें क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, रिलेटिव एरर क्या है और परसेंटेज एरर क्या है, जितने बच्चों को ये समझ आया वो हैंड रेज कर लो। ठीक है, जिनको सब नीचे कर लो, एंड जिनको समझ नहीं आया वो हैंड रेज करो, ऑनेस्टली करेंगे सब लोग हैंड रेज, जिन जिनको समझ नहीं आया वो लोग हैंड रेज करेंगे, एरर का कंसेप्ट जो भी है वो समझ नहीं आया, बाकी लोग सब हाथ नीचे कर लेंगे, जिनको सिर्फ जिनको समझ नहीं आया वो हैंड हाथ ऊपर करेंगे। ठीक, जिनको समझ नहीं आया सब है, सब के सब हाथ ऊपर करेंगे। पंद्रह बच्चों को समझ आया था, तो अब 25 बच्चे ऐसे होने चाहिए, 20 से 25 जिनको समझ नहीं आया, और जो बीच वाले हैं वो कहाँ हैं वो भी। ठीक है, बताओ दिव्या क्या समझ नहीं आया बेटा।
पूछ लो अभी, क्योंकि आगे आगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे। हैंड हाथ नीचे मत करो मेरे भाई, क्वेश्चंस पूछो अपने और फिर डाउट्स क्लियर करते रहो। हो सकता है आपका डाउट हो, किसी और स्टूडेंट का भी डाउट हो, वो लोग वो डाउट्स हम अभी क्लियर कर लेंगे, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सब लोगों ने हाथ नीचे कर लिया, पतली गली से निकल लिए सब। पहले तो आप पहले क्लियर हो जाओगे, आपको समझ नहीं आया तो भाई देखो हमारा एम तो होना चाहिए समझना, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप झिझक क्यों रहे हो, अपना डाउट बताओ फिर पूछो। पता है ऐसे क्या होगा, ऐसे ये होगा, मैं आपको सच बता देता हूँ कि अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए और अगर आपको समझ नहीं आ रहा और आप इतना कष्ट नहीं कर रहे या फिर इतना झिझक नहीं छोड़ रहे, अपनी शर्मा इतना रहे हो कि अपने डाउट भी नहीं पूछ पा रहे, तो पता है इवेंचुअली क्या होगा, जैसे जैसे स्ट्रेंथ कम हो रही है ना क्लास की, यू विल बी द नेक्स्ट वन जो आप कल से धीरे धीरे क्लास में आना बंद कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास में आना बंद कर दोगे, फिर आप पढ़ना बंद कर दोगे, फिर 2 महीने बाद आपको लगेगा यार क्लास में तो आना चाहिए, फिर आप आओगे फिर यहाँ आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सिलेबस आगे निकल चुका होगा, जैसे आपको स्कूल में समझ नहीं आया ऐसे यहाँ भी समझ नहीं आएगा। तो अनलेस यू आर विलिंग, जब तक आप अपने डाउट क्लियर करने के इच्छुक नहीं हो, अनलेस यू आर विलिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अनलेस यू आर विलिंग टू लिसन फोकस विद फोकस। देखो हर कंसेप्ट के बाद मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा यहाँ तक किसी को समझ नहीं आया तो हैंड रेज करो, अगर आप हाथ ही खड़ा नहीं करोगे, डाउट ही नहीं पूछोगे, इसका मतलब अपने साथ चीटिंग कौन कर रहा है, आप कर रहे हो मैं कर रहा हूँ, बताओ। अभी आप अभी मैंने बोला कि हैंड रेज करो तो 8 बच्चों ने 10-12 बच्चों ने किया, नीचे क्यों कर लिया भाई, कब छोड़ोगे ये शर्म। पता है ऐसे बच्चों का क्या होता है, ऐसे बच्चों की अब तो देखो रैगिंग इलीगल हो गई बट भयंकर रैगिंग भी हो जाती है, तो यार यहीं छोड़ दो ये शर्म वगैरह, पढ़ो, कॉलेज में आप जाने का एम कर रहे हो तो अभी बच्चे बचोगे नहीं एक्चुअली। दिस इज 11th और 11th भी आपका ऑलमोस्ट हो गया, 1.5 ईयर डाउन द लाइन यू विल बी इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट एनवायरमेंट। तो अब आप डिसाइड कर लो, यू वांट टू यूज द रिसोर्सेज और यू वांट टू बी द रिसोर्स, आप यूज हो जाओगे है ना। जो बच्चे टैलेंटेड होंगे, जो बच्चे आप पहुंच सकते हो कॉलेज में, नो डाउट आप लास्ट में मेहनत कर लो, कुछ भी करो बाय, कुछ लोग बाय लक भी पहुंच सकते हैं, तो लाइक आप कहीं भी जाओगे, चलो मान लो IIT में नहीं गए हैं, NIT में भी नहीं गए, बट आपके आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं तो आपको पढ़ाएंगे ना, किसी ना किसी कॉलेज में तो पढ़ाएंगे ही, तो कॉलेज में तो जाओगे ना, तो वहां पे भी आप ये झिझक लेके जाओगे क्या, और अगर वहां भी गए तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम आपके साथ बढ़ने ही वाली है बेटा। तो जिन जिन बच्चों को डाउट है हैंड रेज करेंगे, अगर ये हैबिट आपने आप छोड़ दी तो इन बच्चों का ये होना है, मैं अभी बोल देता हूँ, यू विल बी द नेक्स्ट फ्यू ड्रॉप आउट फ्रॉम द क्लास, आप लोग ड्रॉप आउट कर दोगे, आप क्लासेस ज्वाइन करना पंक्चुअलिटी छोड़ दोगे, आओगे नहीं, तो फिर क्या होने वाला है, यू विल बी नो वेयर। तो जो कोचिंग आपके लिए गवर्नमेंट ने अरेंज करी है, जिस कोचिंग में हम लोग एफर्ट डाल रहे हैं कि आप में से कुछ लोग अपनी जिंदगी बदल लो, कुछ लोग एक सिंसियर एफर्ट के साथ कुछ कर पाओ, तो बेटा वो सब फेल हो जाएगा, एटलीस्ट आपके लिए, ऐसा नहीं सबके लिए होगा। हमारा तो एम है पढ़ाने, हम तो आएंगे, मैं नहीं आऊंगा तो कोई और टीचर आएगा, समबडी विल बी देयर इन योर क्लास, चीजें बहुत स्ट्रीमलाइंड वे से चलने वाली है, सब कुछ होने वाला है, बट यू हैव टू बी पंक्चुअल, यू हैव टू बी सिंसियर। अगर आपसे बोला जा रहा है कि डाउट क्या है, तो आप पूछो यार, पूछो, मैं बताने के लिए रेडी हूँ, आप पूछने के लिए तो रेडी बनो। और क्लासेस ड्रॉप आउट कर दोगे तो बेटा फिर ये मत सोचना कि अरे 2 साल चलेगा, कोई नहीं 1.5 साल चलेगा, कर लूंगा। तो हमने तो कोई देखा नहीं ऐसा धुरंधर बच्चा कि जिसने लास्ट में कुछ उखाड़ लिया हो। और देखो अगर आप आपको सिर्फ ये एरर समझ नहीं आ रहा है ना, और उसके भी आप डाउट नहीं पूछ पा रहे, तो बेटा यू आर ऑलरेडी नो वेयर। देखो मैं मोटिवेट तो कर रहा हूँ, बट अभी आपको मैं ट्रुथ भी दिखा रहा हूँ कि फिर आप ऑलरेडी नो वेयर हो, यू हैव टू पुट योर सिंसियर एफर्ट्स ताकि आप लाइफ में कुछ कर पाओ, चांसेस अभी भी बहुत है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। अब हाथ खड़ा करो जिस जिसको नहीं आता, क्योंकि नेक्स्ट पे सीधा क्वेश्चन आएगा, हम लोग एरर के 2 क्वेश्चन लगाएंगे और बढ़ जाएंगे, फिर आपको एरर निपट गया, आपका एरर आपको नहीं आएगा फिर, समझ। इस जिसको डाउट है हाथ खड़ा करो, और फिर मैं पूछूंगा, डाउट पूछेंगे, बताएंगे 2-3 बच्चों के डाउट, फिर पूछेंगे जिसको डाउट है, राइट। चलो चलो भाई चलो। अरे डाउट वाले हाथ ऊपर कर लो भाई। अरे किसी को डाउट नहीं है सर, मीन एब्सोल्यूट एरर में मोड लेना जरूरी है? हाँ, मीन एब्सोल्यूट में एरर में बेटा मोड लेना जरूरी है।
क्योंकि एक वो, बार फिर से एक्सप्लेन कर हाँ दो। बताओ, रुको। एब्सोल्यूट एरर आपको समझ आया ना, कि इट इज द डायरेक्ट डिफरेंस बिटवीन द बिटवीन व्हाट मेजर्ड वैल्यू एंड मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं, ठीक। अब ये मोड लेना क्यों जरूरी है? मोड का मतलब समझ आया ना, क्या मोड का मतलब समझ नहीं आया? स्नेह, यस मोड का मतलब समझ आया ना, ठीक है। अब बाय, सॉरी यार मेरा गला दुख रहा है, शायद हो सकता है आपकी कल छुट्टी भी हो जाए, बट मैं तब तक, छुट्टी है नहीं अभी, हो सकता है मेरा गला सही हो गया तो मैं आऊंगा क्लास में, मैं छुट्टी नहीं करूंगा। अगर आपको कल लिंक ना आए या फिर कोई और मैसेज आए तो देन फिर हो सकता है, ठीक है। चलो, तो अब मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पे मोड लेना जरूरी है या नहीं? ठीक है, बाय डेफिनेशन मोड लेना जरूरी है, ये आप दिमाग में बस बाय डिफॉल्ट दिमाग में सेट कर लो कि यार बाय डेफिनेशन तो मोड लेना जरूरी है, ठीक है। अब ये मोड लेना ठीक है जरूरी सर। क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर से हम ये पता करना चाह रहे हैं कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है ओवरऑल, जितने बार भी हमने मेजरमेंट किया, बी इट 50 टाइम्स या 10 बार या 5 बार, जितने बार भी हमने किया, वो हमारा ओवरऑल एज ए बिगर पिक्चर, हम सारे रीडिंग्स को एक साथ देखें तो वो कुल मिला के, यानी ओवरऑल वो रीडिंग्स कितना डेविएट कर रही है ना। तो देखो, कुछ डेविएशन होंगे नेगेटिव साइड में और कुछ डेविएशन होंगे पॉजिटिव साइड में, है ना। मान लो कि हमारी ट्रू वैल्यू थी 5.0, तो हमारी रीडिंग्स की पॉसिबिलिटी ये है ना, 4.9 आ गई, 4.8 आ गई, 5.1 आ गई, 5.2 आ गई, है ना। तो ये 5.1 एंड 5.2 क्या है? ये पॉजिटिव साइड में डेविएशन है, कि जो मेजर्ड वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। 4.9 और 4.8 क्या है? नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएशंस है। दिस मींस कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो दैट इज लेस देन ट्रू वैल्यू। तो ये मोड लेना इसलिए जरूरी है कि वाइल कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट एरर हम उसका डिफरेंस ले ले रहे थे, तो इधर डिफरेंस आएगा -0.1, इधर आएगा -0.2, 5.1 के केस में 0.1 आएगा और 5.2 के केस में 0.2 आएगा। अब देखो, अगर मोड नहीं लेंगे तो ये माइनस 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 प्लस को कैंसिल कर देगा ये, तो फिर तो मीन एब्सोल्यूट एरर 0 आ गया। एक्चुअल में तो एरर्स थे, बट क्या हमें फाइनली पता चला? हमें तो लगेगा यार 0 है, मतलब 0 एरर है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन द डेविएशन, नॉट इन द डायरेक्शन। चाहे वो पॉजिटिव में डेविएट करे हमारी मेजर्ड वैल्यू, या फिर डेविएशन, डेविएट तो समझ आ रहा है ना कि वो वेरी कर रहे हैं पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, चाहे वो पॉजिटिव में करें या नेगेटिव में करें, स्टिल हमें पता होना चाहिए कि एरर्स तो हैं। अगर ये इंडिकेटर है मीन एब्सोल्यूट एरर, ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव ओवरऑल इंडिकेटर है कि 100 रीडिंग ली तो उसमें टोटल ओवरऑल कितना डेविएशन आया, है ना। ये सब हम यूज कैसे करते हैं? टू करेक्ट अवर इक्विपमेंट। मैंने आपको जब एरर पढ़ा रहा था तो हमने कहा था कि यार एरर कैलकुलेट करने के कुछ मोटिव हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कि हम एरर मिनिमाइज करें, क्योंकि मेजर्ड वैल्यूज हमारी सही आनी चाहिए, तभी हम कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तभी हम कोई नई चीज बना सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। अगर हमारे मेजरमेंट्स ही सही नहीं होंगे तो हम सर्टेनली कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो कुछ नई चीज इन्वेंट नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट मेजरमेंट इज अवर मोटिव, और करेक्ट मेजरमेंट के लिए मतलब ये है कि एरर मिनिमाइज किया जाए। अब एरर मिनिमाइज करने के लिए हमें ये ट्रेंड देखना पड़ेगा कि एरर्स क्या ट्रेंड फॉलो कर रही हैं, उस ट्रेंड को एनालाइज करके वी गो बैक टू द मेजरिंग इक्विपमेंट। देखो, इक्विपमेंट यूज होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। अब प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट में जो इक्विपमेंट यूज हुआ ड्यूरिंग द कंपेरिजन विद द फिजिकल क्वांटिटी, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट में एक इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो टू करेक्ट दैट इंस्ट्रूमेंट हमें एरर्स का उस एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट से जो मेजर्ड वैल्यूज आई उनमें जो एरर आई उस एरर का हमें ट्रेंड देखना पड़ेगा। फिर हमें पता पड़ेगा कि यार अच्छा, इस इक्विपमेंट में 0 एरर है क्या? अच्छा, इस इक्विपमेंट में कोई और तरीके के डेविएशन है क्या, या फिर सिर्फ कुछ वैल्यूज डेविएट कर रही है और बाकी सारी वैल्यूज करेक्ट आ रही है। तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है, उसमें मैक्सिमम चीजें क्या होंगी, ये 0 0 हो जाएंगे, कोई एक दो बचेंगे, जैसे मान लो रैंडमली 0.1 एरर आ गया, तो इसका मोड ले लिया तो मीन एब्सोल्यूट एरर तो और वो आ जाएगा छोटा। तो फिर हमें पता पड़ेगा यार मीन एब्सोल्यूट एरर छोटा ही है, तो ये कोई रैंडम एरर है, इंस्ट्रूमेंट की एरर नहीं है। अगर हमारा 0 ही डेविएट हो जाए तो मैक्सिमम हमारी वैल्यू बाय सम पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड हर एक वैल्यू डेविएट करेगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि यार हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर ज्यादा आ रही है, तो फिर हम
रेक्टिफाई करेंगे कि यार इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत है, और बाय स्टडिंग द ट्रेंड ऑफ एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, वी कैन डेफिनेटली, वी कैन सर्टेनली पिन पॉइंट कि इसमें किस टाइप का उस इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत आई है। इसलिए हमें यहाँ पे मोड लेना जरूरी है ताकि एरर से एक दूसरे को काट ना दे। ठीक, चलो अब देखो बहुत बच्चों का रिविजन भी हो गया थोड़ा थोड़ा टर्म्स यूज के। अब बताओ नेक्स्ट डाउट, समझ आया इसने आपको? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट है भाई पूछो। 35 तक अपन डाउट ही डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन बनेंगे, फिर मेरे को अगले क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए अगर डाउट नहीं है तो। फॉर्मूला देख लो सब लोग फिर। हाँ पायल बोलो। सर जो हमारा रिलेटिव एरर है, मतलब कोई एग्जांपल दो। अगले क्वेश्चन में बेटा एग्जांपल ही आएगा, जब वो क्वेश्चन कर लेंगे तब तब समझ आ जाएगा। रिलेटिव का शाब्दिक अर्थ पता है ना किसी को? रिलेटिव का एक्चुअली बाय वर्ड अगर देखें तो उसका शाब्दिक अर्थ पता है? नहीं पता। रिलेटिव का मतलब इन कंपैरिजन टू अदर, है ना, विद रिलेशन टू अदर। अदर वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू, कि ट्रू वैल्यू के रिलेशन में, ट्रू वैल्यू के कंपैरिजन में हमारा एरर है वो कितना कहाँ स्टैंड करता है। इसलिए हमने एरर को डिवाइड कर दिया ट्रू वैल्यू से, और एरर कौन सा? मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर उसी का परसेंटेज निकालने के लिए कि हमारा ओवरऑल जो एरर है वो कितना प्रतिशत है ट्रू वैल्यू के, उससे निकला परसेंटेज एरर। ठीक, चलो भाई ये क्वेश्चन है, पढ़ो और करो, अटेम्प्ट करो इसको सब। जिसका आ जाए वो ट्राई करेंगे, 2 मिनट का टाइम दिया। ठीक है, मैं थोड़ा गर्म पानी पी लेता हूँ तब तक, अब 2 मिनट में आता हूँ मैं, और आप लोग ना इसको अटेम्प्ट करो, फिर मैं कराऊंगा। ओके सर।
किसी का आया आंसर? अच्छा, जितने बच्चों ने हैंड रेज किया इतने आ गए, ठीक है। कितने बच्चे ट्रू वैल्यू निकाल पाए, ट्रू वैल्यू इसकी, ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। 6 बच्चे निकाल पाए, सही, ठीक है बेटा। जिन जिन का आया है वो अपना ऑप्शंस डाल दो, जिन्होंने कंप्लीट आंसर चैट बॉक्स में डाल दो आंसर्स। अच्छा, ऑनेस्टली आंसर करेंगे क्योंकि बहुत कम लोग हैंड रेज करते हैं और आंसर देने वालों की संख्या ड्रास्टिकली बढ़ जाती है, तो मुझे नहीं चाहिए यार। अगर आपने आंसर निकाले हैं खुद से तो ही दो यार, क्योंकि उससे डिसऑनेस्टी आपके साइड से नहीं चाहिए। अगर आपका आंसर आया है तो ही आप टाइप करोगे, और लोग ए दे रहे हैं, आपका डी आया है, तो यू शुड टाइप आंसर डी, है ना। ऐसा नहीं कि सब लोग ए दे रहे तो चलो मैं भी ए दे देता हूँ, क्योंकि वो चीटिंग आप अपने साथ कर रहे हो बेटा, वो मक्कारी आप अपने साथ कर रहे हो, उससे नुकसान किसी और का नहीं, आपका ही होगा। तो यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ठीक है बेटा। और थोड़ा बुरा लग सकता है ये बातें सब, लेकिन क्या करें, आपके आपके भलाई के लिए यही सही है बेटा। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। कंचन, गरिमा, राशि, राधिका, ठीक है, स्नेह, सगुन और ऋतिका। तो अभी 8 बच्चों ने हैंड रेज किया है, आई थिंक 40 में से 8 निकाल पाए, सही है। चलो 9 स्टूडेंट्स। चलो बेटा अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया है ए, ठीक है। अगर मुझे बीच में, जितने बच्चों ने अभी सॉल्व किया है, अगर मुझे बीच में कुछ डाउट आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, या मैं कुछ गलती करता हूँ तो मेरे को आप बताओगे। चलो, जानबूझ के भी गलती कर सकता हूँ मैं। मैंने नोट्स में सॉल्यूशन भी डाल दिया इसका, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन का अगर पता रहेगा तो व्हाइल सॉल्विंग द असाइनमेंट्स, तो आपको क्या होगा कि एक रेफरेंस रहेगा कि यार क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया था, तो असाइनमेंट में कुछ चीज अगर रिक्वायर्ड रहेगी तो वहां कर सकते हो। देखो जी, क्वेश्चन पढ़ते पहले। इन अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट्स, कल आया ज्यादा खराब। In a series of successive measurements, in an experiment, the reading of time period of oscillation of a simple pendulum was found to be 2.63 second, 2.56 second. ठीक है, हमारे पास क्या है, 5 readings दे रखी हैं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अभी भी मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर, आ रही है, साफ आ रही है, सर आ रही है, अभी साफ आ रही है। Yes, sir. तो मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा यार, मैं ज्यादा जोश में आके ना तेज तेज बोलता था। आई वॉज थिंकिंग कि माइक में शायद ना जा रही हो, कल से मैं वो कॉलर माइक भी यूज करना स्टार्ट कर दूंगा, उसको सेटअप कर लूंगा तो फिर और इजी हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे 5 रीडिंग्स हैं, ठीक है। वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो आप बोलोगे सर टाइम पीरियड में सेकेंड्स का कहाँ रोल आ गया, है ना। टाइम पीरियड में क्या करते थे हम, टाइम पीरियड क्या होता है, जो टाइम बिटवीन टू मैक्सिमस, यानी कि एक पोजीशन है, किसी भी पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन को ले लो या मीन पोजीशन को ले लो, कोई कोई भी एक एक्सट्रीम, यहां से स्टार्ट हुआ, गया, वापस आया, जितना टाइम उसको लगा दैट इज टाइम पीरियड, ठीक। अब देखो उसकी 5 रीडिंग्स है हमारे पास। अब हमें बोलता है वो कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल, 5 रीडिंग ले ली, ये 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 ये। अब बोल रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आप बोलोगे सर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तो लिख रखा है 5 बार, तो आप फाइंड आउट क्या करें। तो वही मैं बोल रहा था कि जब एब्सोल्यूट एरर उसके साथ लिख दोगे, परसेंटेज एब्सोल्यूट एरर, देखो ये परसेंटेज लिखा हुआ है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर का परसेंटेज, तो ये कंप्लीट हो गया कि ये वैल्यू प्लस उसमें इतना एरर, वो एरर को फाइंड आउट करना है कहां से, इन 5 रीडिंग्स की मदद से। इस मीन वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी ट्रू वैल्यू को, कहां से, इन 5 रीडिंग्स की मदद से। तो पहला स्टेप हमारा रहेगा टू फाइंड आउट ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब अगर ये A1 था,
ए टू था, है ना, अलग अलग रीडिंग थी, ए थ्री, ए फोर, ये ए फाइव। अब देखो, अगर हम पांच रीडिंग्स का यूज करते हुए, एक ए एम था मीन, मीन ऑफ दीज फाइव रीडिंग्स, इनको यूज करते हुए अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो क्या हम उसी को बोल सकते हैं कि दिस इज द ट्रू वैल्यू? तो ये कितने बच्चे निकाल पाए, यस सर, निकाल पाए, ठीक है, ट्रू वैल्यू। ये हमारे पास टी वन था, टी वन ले रखा है बेटा, वहां ए था, हमने टी ले लिया, टी वन, टी टू, टी थ्री, बिकॉज वी आर यस टॉकिंग अबाउट सर, टाइम। नेसेसरी नहीं है कि हमेशा टी लेंगे, जो मर्जी आप बोले लो, ठीक है, ये जस्ट नोटेशन है आपका, जो मन करे सर मैं तो वाई लूंगा वाई ले लो, एक्स लूंगा एक्स ले लो, जीटा लूंगा जीटा ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो दैट दीज आर जस्ट द रीडिंग्स, राइट। उसके अलावा फिर सेकेंड स्टेप में हमने टी एम कैलकुलेट किया कि मीन ऑफ द टाइम, ठीक है, तो वो क्या हुआ वो बताओ। तो अब देखो, ये कैलकुलेट करने के बाद टीएम था कि हमने सारे के सारे टाइम पीरियड्स को जोड़ा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग, हमारे पास पांच रीडिंग्स थी, उसको डिवाइड किया, फिर क्या आया, अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टाइम पीरियड्स, ठीक है, क्या आया सर, 13.12 वाज सम, इनको सबको जोड़े तो 13.12 आ रहा है, उसको पांच से डिवाइड कर दें तो 3.6424 सेकेंड्स, ये हमारा आया मीन, है ना। अब देखो क्या हम इसको राउंड ऑफ कर लें, राउंड ऑफ करना क्यों जरूरी है, कोई बताएगा? रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ पढ़े थे बेटा, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल पढ़े थे, राउंडिंग ऑफ के पढ़े थे, उसके हिसाब से हमें फाइनल आंसर आफ्टर सम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद भी और डिवीजन के बाद भी, फाइनल आंसर के अंदर इट शुड हैव एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज जितने की हमारे मिनिमम वाले में है। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, मिनिमम किस में है सर, सब में बराबर है, क्यों, क्योंकि जीरोस आफ्टर ये डेसिमल प्लेस के नॉन जीरो नंबर के बाद है, वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो यहाँ तीन है, यहाँ भी सब में तीन है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो तीन तीन थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट हमारा समेशन के बाद आया यहाँ 2.624, इसमें ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, इसका मतलब यहाँ चार हो गए, बट हमें रिड्यूस करके तीन पे लाने हैं। नाउ वी हैव टू यूज द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, इस फोर को राउंड ऑफ करना है, लास्ट वाले को, फोर को ड्रॉप करना है, तो सिंस फोर इज लेस देन फाइव, तो प्रीवियस वाले को अनचेंज छोड़ दिया, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया 2.62 सेकेंड्स, ठीक, तो ये 2.62 सेकेंड आया, यानी हमारा पहला पार्ट आ गया जिसको हम बोल रहे थे कि मीन वैल्यू क्या है, तो 2.62 इसमें भी है और बस इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। तो पहले पार्ट को सोल्व करते क्या हम ऑप्शन क्वेश्चन को सोल्व कर पाए, कर पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था, जिस बच्चे ने इन एक ये कैलकुलेट कर लिया उसका हो गया, क्योंकि 2.62 और किसी में नहीं है। अब देखो क्वेश्चन वाइज अगर एग्जाम में आए तो इतना ही करके आगे बढ़ जाना है, बट अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट वाला पार्ट ये कैसे कैलकुलेट होगा एरर, ठीक। देखो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब विद रिस्पेक्ट टू एवरी रीडिंग, यानी टी वन के करस्पोंडिंग उसका एक एब्सोल्यूट एरर होगा जिसको हम बोलेंगे डेल्टा टी वन। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम टी वन में से माइनस करेंगे जो हमारी ट्रू वैल्यू है, यानी ट्रू वैल्यू क्या, एथमेटिक मीन जो हमने अभी कैलकुलेट करी है जस्ट, डेल्टा टी वन, यानी टी वन क्या था 2.63 माइनस क्या 2.62, समझ आ रहे हो? कितने बच्चे अभी मेरे साथ चल पा रहे हैं, यस यस सर, बोलो माइक ऑन करके, जितने बच्चे चल पा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो फिर ये सब्ट्रैक्ट करके आया 0.01, तो ये क्या आया डेल्टा टी वन, यानी कि जो एब्सोल्यूट एरर करोस्पोंडिंग टू फर्स्ट रीडिंग था। सिमिलरली बेटा पांचों के पांचों रीडिंग्स के लिए हम पांच जो वैल्यूज थे मेजर्ड वैल्यू उनके मैग्नीट्यूड में से जो हमारा ट्रू वैल्यू कैलकुलेटेड है 2.62 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास ये एरर आ गए 1 2 3 4 5, ये मीन एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे, सॉरी इनको बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर्स, राइट। अब इनमें से कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएशन है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोड फंक्शन यूज करना पड़ेगा टू कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देखो विद एवरी एब्सोल्यूट एरर उसके बाद डेविएशन अलग अलग हो सकता है, बट हमें फाइनल में एक एरर के लिए एक एक ही डिजिट यूज करना है कि यार इतने परसेंट एरर, तो अब हमें उनका मीन लेना पड़ेगा, किसका, एरर्स का भी, जो एब्सोल्यूट एरर्स आए उनका भी मीन लेना पड़ेगा। और जैसे स्नेह ने पूछा था कि सर क्या हम नेगेटिव को नेगेटिव नहीं रख सकते, नहीं रख सकते बेटा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमें ये लगेगा कि एरर कुछ नहीं है, यानी हमारा जो ये नंबर है ना ये 4% एरर प्लस माइनस 4% एरर ये जीरो हो जाएगा, हमारे यहाँ डेविएशन तो होंगे
एरर्स तो आएंगे, बट ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके इस डिजिट में वो उसको दिखाई नहीं पड़ेंगे कि एरर्स है या नहीं, जीरो हो गया मतलब हमें लगेगा बहुत अच्छा है बट डेविशन है। तो इसलिए हमें मोड लेना पड़ेगा, डेल्टा टीएम कैलकुलेट करेंगे 0.01 ये ऐसे करके सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड ले लिए। देखो -0.06 था उसको पॉजिटिव का पॉजिटिव रख दिया, ये सबको ऐड करके 5 से डिवाइड किया फिर आया 0.108। फिर देखो यहाँ भी सिग्निफिकेंट फिगर्स दो थे, इधर सब में दो थे तो यहाँ भी दो रख दिए 0.11 सेकेंड। अब 0.11 सेकेंड तो है पर किसके रिस्पेक्ट में, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में। अगर 0.11 को हम डिवाइड कर दें 2.62 से तो क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलेटिव एरर, है ना, रिलेटिव एरर क्या आएगा, रिलेटिव नहीं, हाँ रिलेटिव एरर आ जाएगा बता, रिलेटिव एरर। और इसी रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर दे 10 से, सॉरी 100 से, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, है ना। परसेंटेज तो क्या आ गया, अब देखो यहाँ से तो दिख ही रहा था 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.42 किया वो 4% आ गया अप्रोक्सीमेटली। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज व्हाट, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। तो हमने ये सारा खेल परसेंटेज एरर तक पहुंचने के लिए किया। परसेंटेज एरर के फॉर्मूले में क्या था, क्या था बेटा, रिलेटिव एरर इनटू रिलेटिव एरर अपॉन ट्रू वैल्यू रिलेटिव इनटू एरर इनटू 100 100 था परसेंटेज एरर। और रिलेटिव एरर क्या था, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि एब्सोल्यूट एरर्स का मीन डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या था, ट्रू वैल्यू था जितनी की जितनी सारी हमारी रीडिंग्स थी उन सब का अर्थमेटिक मीन था। तो देखो अब बोलोगे सर ये सब खेल क्यों किया, बेटा ये वैल्यू निकालने के लिए, परसेंटेज एरर, है ना, हमें ये पता चल जाए कि जो हम रीडिंग्स ले रहे हैं उसमें कितना प्रतिशत हम एरर कर रहे हैं, समझे। तो वहां तक पहुंचने के लिए फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है जितनी भी हमारी मेजर्ड वैल्यूज आई है उनका अर्थमेटिक मीन ले लो, फिर उस अर्थमेटिक मीन लेने के बाद फिर हमने विद करोस्पोंडिंग टू एवरी एरर, एवरी मेजर्ड वैल्यू उसका एक एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया, ये 5 बार ये किया, फिर ये आई वैल्यूज इन सब का फिर मॉडुलस लेके मीन दोबारा लिया एब्सोल्यूट एरर का, ये आया, इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड किया ट्रू वैल्यू से तो हमारे पास क्या आ गई, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई तो किया तो परसेंटेज एरर। ये फिक्स रास्ता है, फिक्स ही रहेगा, 4-5 क्वेश्चन ऐसे कर लोगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा कि एरर का मतलब क्या है। ठीक है, एरर कितने टाइप की हुई बेटा बताओ, बताओ फोर कोई बच्चा मेरे को ये बोलेगा कि एरर एक ही टाइप की हुई, कौन है ऐसा, जो हैंड रेज कर रखे ये लोग ये बोल रहे हैं क्या एरर एक टाइप की हुई। नो सर अरे यार इतने बच्चे अगर मेरे को ये बोलते एरर एक टाइप की हुई तो मैं खुश हो जाता। सगुन बोल रही है, कंचन बोल रही है, आपको लगता है बेटा एक एक ही टाइप की एरर हुई, रजनीश को भी लग रहा है। अरे बोलो यार मेरे को खुद पे डाउट होने लगता है मैं गंदा पढ़ा रहा हूं, या तो मेरे को ये बोलो कि सर आप गंदा पढ़ा रहे हो या फिर मेरे को आंसर दो। सर नो अच्छा पढ़ा रहे हो आप नो सर सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो यस अच्छा सर तो 4 बच्चों के बोलने से थोड़ी होगा बेटा, मेरे को तो रिस्पॉन्स क्लास का सर चाहिए, अगर क्लास हो रही है इसका मतलब तो मतलब गंदा ही पढ़ा रहा हूं मैं। नहीं अच्छा पढ़ा रहे हो आप सर अच्छा पढ़ा रहे अच्छा हो आप फिर आंसर कौन देगा, आंसर सर दो यार आंसर दो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो मुझे आंसर से पता चलेगा बेटा कि अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, ये बोलने से नहीं चलेगा, बोलने से तो मुझे लगेगा कि यू आर बटरिंग मी, मेरे को आप मक्खन लगा रहे हो। ठीक है चलो ठीक है सुनो, हाँ एरर एक ही टाइप की हुई यार, एरर का मतलब क्या है एब्सोल्यूट एरर, ये मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, एरर का मतलब कि मेजरमेंट में गलती, तो एक ही प्रकार की गलती मतलब गलती हो गई, गलती का मतलब है कि अवर मेजर्ड वैल्यू इज नॉट इन एग्रीमेंट विद ट्रू वैल्यू, यानी कि हमारी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे से एग्री नहीं करती, सॉरी हाँ, तो हमारी मेजर्ड वैल्यू और हमारी ट्रू वैल्यू एक दूसरे से एग्री नहीं करती, यानी कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में एक डिफरेंस है।
उस डिफरेंस को हमने नाम दिया एब्सोल्यूट एरर। वही नाम था किसका, एरर का। तो एरर तो थी एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि बेटा इसका मेजरमेंट करो और बाय चांस आप लेंथ के की कोई रीडिंग बताते हो और उसका डेविएशन आ जाता है ट्रू वैल्यू से, दिस मीन्स यू हैव मेड एन एरर। वही है एरर का मतलब, बस उतना ही है। और उसको हमने बोला कि ये बेटा एब्सोल्यूट एरर हुई। अगर एब्सोल्यूट एरर्स का हमने एवरेज ले लिया तो उसको उसको हमने बोल दिया मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये एक टूल है बेटा, मैथमेटिकल टूल। जैसे हम लोग, जैसे आपके एग्जाम है, मान लो पांच सब्जेक्ट है, आप पांच बार अलग अलग मार्क्स आए, किसी में 100 में से 90 आ गए, किसी में 80 आ गए, किसी में 70, किसी में 65, किसी में 75। तो अब पांच सब्जेक्ट थे, आपने सबके मार्क्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। तो अब फिर उसके बाद बोलते हो कि मेरे ओवरऑल आपके कितने मार्क्स आए। मैं बोलता हूँ कंचन के कितने परसेंट, कैसी स्टूडेंट है कंचन, कैसा पढ़ती है। तो बोले नहीं हाँ कंचन ठीक पढ़ती है, इसके 75% मार्क्स आए। कोई कोई बोले कि यार इशिता कैसा पढ़ती है, हाँ इशिता बहुत अच्छा पढ़ती है, इसके 90% मार्क्स आए। बेटा बुरा मत मान जाना कि यार मेरे कम बता दिए, तो ठीक है। तो ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि यार फिर वो कहाँ से आया परसेंटेज। मैंने तो अलग अलग सब्जेक्ट को तो कंपेयर नहीं किया, मैंने क्या किया कि सारे एक सब्जेक्ट का एक ओवरऑल इफेक्ट देखने के लिए मैंने कैलकुलेट कर लिया एवरेज मार्क्स। तो यही मैंने किया, एब्सोल्यूट एरर वाज द एरर, जिसको हम बोलेंगे एरर, एरर का मतलब एब्सोल्यूट एरर। अब वो बार बार एब्सोल्यूट एरर मल्टीपल रीडिंग्स में आ रही है, तो उन सबका एक ओवरऑल इफेक्ट देखने के लिए मैंने उसका एक मीन ले लिया, यानी उसका एक एवरेज ले लिया। उस एवरेज को बोल दिया मैंने मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, नाम ही बता रहा है कि एब्सोल्यूट एरर्स का अगर मीन लिया तो मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। उसमें बस एक ध्यान रखना है कि मोड लेना है, मोड इसलिए लेना है कि बेटा ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस एक दूसरे को कैंसिल आउट ना कर दे, इसलिए मोड हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड खाली ले लेंगे। उसके बाद ये वैल्यू आई, अब इस मीन एब्सोल्यूट एरर को हमें रख के देखना है किसके साथ में, ट्रू वैल्यू के, तब हमें पता पड़ेगा कि हमारा एरर है और जो ट्रू वैल्यू है वो एक दूसरे के कितने रिलेटिवली किस सिचुएशन में है, कितने परसेंटेज में है। और परसेंटेज कैलकुलेशन ये तो देखो सबको पता है, अगर हमें प्रतिशत कैलकुलेट करना है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए दिस इज व्हाट 4। अब ये सारा खेल इसलिए हुआ कि वी वॉन्ट टू राइट कि हमारा 4% एरर है। अब देखो ये तो हो गई फिजिक्स की बात, अब हम परसेंटेज में ही क्यों इंटरेस्टेड है, क्या हमारा एरर 0% नहीं होना चाहिए, है ना, हमारा एरर तो मिनिमम होना चाहिए। तो हमारा इंटरेस्ट ये है कि यार एरर मिनिमम हो। बट जब आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे, कॉलेज में चले जाओगे, तब आप ये सब चीज पढ़ोगे, तो फिर कई बार ऐसा होगा कि कितने प्रतिशत एरर परमिटेड है या फिर कितने प्रतिशत एरर अलाउड है ऐसा पूछा जाए, तो फिर दिया जाएगा कि दिस मच ये आपको रीडिंग लेनी है और इसमें एरर अलाउड है 5%, या आपको ये एरर लेनी है और ये बहुत क्रिटिकल चीज है तो इसमें एरर ओनली अलाउड 2 से 3%। तो वो एक क्राइटेरिया सेट करने के लिए होता है कि यार आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज को मेजर करने के लिए, तो उसमें एरर इतना प्रतिशत अलाउड है। फॉर एग्जाम्पल, गोइंग बैक टू अवर सेब एंड सुनार वाला केस, कि वाइल मेजरिंग एप्पल 10-20% एरर आर इजिली परमिसिबल, है ना। 1 किलो सेब लाना था, 1 किलो 100 ग्राम उसने दे दिया, बोला ठीक है सर आप ले जाओ 1 किलो के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको तब तक वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए 100 ग्राम उसमें फालतू भी डाल देता है, ताकि वो पलड़ा जो उसका तराजू है ढंग से झुक जाए एक साइड, ताकि कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि 100 ग्राम एप्पल का कॉस्ट वाज हार्डली 2-3 रुपीज या 5 रुपए, मान लो 50 रुपीज केजी आ रहा, तो 5 रुपए का डिफरेंस था। बट क्या सुनार डालेगा, क्या ज्वेलर ऐसा करेगा कि चलो बेटा आप एक काम करो, आप ले रहे हो कितना, आप 100 ग्राम सोना ले रहे हो, तो आप क्या काम करो 5-6 ग्राम एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। वही हुआ ना, 5% का मतलब वही हुआ कि 5 ग्राम एक्स्ट्रा इन 100 ग्राम्स, प्रतिशत यानी 100 में कितना, 5% मतलब 5 ग्राम एक्स्ट्रा इन 100। तो वो ना 5 ग्राम एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि उसको पता है 5 ग्राम सोने का प्राइस 25,000 है, 30,000 है ना। 5 ग्राम आप कम लोगे, क्यों, आपको भी पता है कि अगर 5 कम लिया तो 30,000 का नुकसान हो जाएगा। तो कहाँ 5 रुपए और कहाँ 30,000 रुपीज। तो अलग अलग प्रोसेस में ये डिफरेंशिएट हो सकता है। क्यों? तो यही होगा कि वाइल मेजरिंग गोल्ड आपका परमिसिबल एरर कम होगा कि ज्यादा होगा, अलाउड एरर, बोलो। कम होगा कम होगा, कितना कम होगा, 0-1% से भी कम होगा,
0.5% से भी कम होगा, 0.01% से भी कम होगा। बोलेंगे कि यू आर मेजरिंग इट, तो सुनार आपको लिख के देगा कि आप जैसे आपने 1 तोला सोना खरीदा, आपने 10 ग्राम सोना खरीदा, 10 क्या बोलते हैं 10.0 प्लस माइनस 0.01%, ये हो गया। यानी कि 10 ग्राम है आपका और उसमें एरर के चांसेस इतने कम है, मतलब वो 1 ग्राम का सोवे हिस्से से भी कम ज्यादा नहीं है। यानी कि उसने ये लिख दिया, सुनार ये लिखेगा और सेव वाला क्या लिखेगा, 1000 प्लस माइनस 10%, कि 100 ग्राम है और 10% ऊपर नीचे है। आप भी बोलोगे ठीक है भैया 900 ग्राम हो गया, अच्छे सेब डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 पीस अच्छे डाल दो, मेरे को चौथा पीस चाहिए नहीं। आप ले आओगे 900 ग्राम भी, सोने वो देगा कि कोई नहीं, कि बेटा आपके डल गए, 100 ग्राम एक्स्ट्रा डल गया, कोई बात नहीं, आप 1 किलो के पैसे दे। दिस वॉज द केस विद एप्पल, दिस वॉज द केस विद गोल्ड। तो अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग परमिसिबल एरर होगा, और वो दिया होगा प्रतिशत में, यानी परसेंटेज एरर में। इसलिए हम लोग चले कहाँ से थे, एरर से, एरर की डेफिनेशन से, फिर एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया, फिर एब्सोल्यूट एरर का मीन कैलकुलेट किया, फिर मीन को एवरेज जो हमारी एक्चुअल ट्रू वैल्यू जो हमने निकाली थी उसके रिस्पेक्ट में रखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर परसेंटेज आ गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं। एक्चुअल एरर वाज एब्सोल्यूट एरर, फिर उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर वाज, मीन एब्सोल्यूट एरर वाज आल्सो अ मैथमेटिकल टूल, रिलेटिव एरर वाज आल्सो एन मैथमेटिकल टूल, परसेंटेज एरर वाज आल्सो एन मैथमेटिकल। ठीक, तो ये सिर्फ तरीके हैं। अब देखो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे और डेविएशन देखेंगे कि अगर पॉजिटिव में जा रहा है तो पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव में जा रहा है तो नेगेटिव एरर है, और कुछ ये जानने की कोशिश करेंगे कि एरर्स का जो रीजन क्या है। जैसे हमने जब एरर या मेजरमेंट स्टार्ट किया था तो हमने डिफरेंट मेजरमेंट इक्विपमेंट के बारे में बात करी थी कि बेटा फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ दिस बॉल वी हैव चॉइसेस ऑफ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, वी कैन यूज नटराज स्केल, वी कैन यूज वर्नियर कैलिपर, वी कैन यूज स्क्रू गेज, वी कैन यूज माइक्रोमीटर फॉर, और वी कैन यूज अदर एडवांस ऑप्टिकल और सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो। तो उन सब इंस्ट्रूमेंट्स का यूज जो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा एरर का उसके साथ क्या रिलेशन है। अगर हमारा कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर आ रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट में क्या दिक्कत हो सकती है मेजरमेंट के इक्विपमेंट, है ना। जैसे सिंपल ले, मान लो आपका ये स्केल है और इसका 2 सेंटीमीटर वाले जगह से टूट गया और फिर भी आप नॉर्मल तरीके से ही मेजर कर रहे हो, तो मैं मेजर कर रहा हूं तो मेरा 10 आ रहा है और आप उसी को बराबर रख के कह रहे हो तो सर मेरा तो 12 रीडिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि बेटा आपका 0 ही, आपकी गिनती ही 2 से शुरू हो रही, तो आपके में 12 रीडिंग आएगी ना। तो ऐसे मान लो कि हर एक रीडिंग 2 से डेविएट कर रही है, तो हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर भी 2 से डेविएट कर जाएगी, फिर हमारे रिलेटिव एरर में आ जाएगा, फिर परसेंटेज एरर भी 20% आ जाएगा। तो अब देखो आपको पता पड़ेगा कि देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग विद द इंस्ट्रूमेंट। अभी स्केल था तो मुझे पता चल गया कि यार इसमें टूटा हुआ है, बट यही इंस्ट्रूमेंट बहुत एडवांस होता, बेयर आईज से दिखता नहीं उसमें कुछ डैमेज, तो फिर हमें जो मेजर्ड रीडिंग्स है उससे हम एस्टिमेट करते हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर है। और ट्रेंड्स होते हैं बेटा, एरर्स के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट में जो दिक्कतें होती हैं उसके ट्रेंड्स होते हैं, वी ट्राई टू एनालाइज दोस ट्रेंड्स और उसको करेक्ट करते हैं। बट एंड गेम हमारा यही रहता है, हमारा जो टारगेट रहता है दैट इज जस्ट टू मिनिमाइज द एरर, एरर्स को मिनिमाइज करना हमारा टारगेट रहता है, एंड इफेक्टिव मेजरमेंट हमारा टारगेट रहता है, राइट। अब सोचो कि मैं आपको बोलता हूँ कि बेटा आपको, जैसे आप लोग सब लोग कपड़े कितने बच्चे सिलते हैं, कितने बच्चे घर पे कपड़े सिलते हैं, जिन्होंने कपड़े सिलना सीखा है या फिर देखा है, जो भी बताओ यस बोल दो बेटा, हैंडरेज का कोई कुछ चक्कर नहीं है, देखा है ना, वो सिलते भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सिलते हैं, मेरे घर पे भी सिलते हैं, तो है ना। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा आप सूट सिलवाने जा रहे हो ना, सूट सलवार पहनते हैं, तो सूट सिलवाने जा रहे हो सपोज करो, तो मैं बोलूँ कि आपका मेजरमेंट जो है उससे वर्नियर कैलिपर से करे वो, मतलब जो सूट के जो लेंथ है, आप जाते हो इसके पास कपड़े वाले के पास, बोलते हो कि भैया 3 मीटर कपड़ा दे दो, 3 मीटर में मेरी ड्रेस तैयार हो जाती है, और आप उसको बोलो कि ऐसा करना मेजरमेंट लेंथ का वर्नियर कैलिपर से करना, तो कोई सेंस बनती है उस बात की? No, sir. अगर पागल no, बोलेगा ना, बट क्या वर्नियर कैलिपर से लेंथ मेजर हो सकता है? होता है sir. होता है बेटा, yes, होता sir. है, लेंथ मेजर हो सकता है, डेप्थ भी मेजर हो सकती है, एक्सटर्नल इंटरनल, और आप मेजर कर सकते हो, बट वर्नियर कैलिपर का यूज करो ये बोल दे, या आप बोल दो कि
कि और भी हाई प्रिसाइज इक्विपमेंट यूज होगा, तो दैट इज नॉट इफेक्टिव ना यार। एक कपड़ा ही तो सिलवाना है, उसमें 3 मीटर, 3.25 मीटर, 3.25 मीटर कोई मैटर नहीं करता। वो रख के, जैसे आपने देखा होगा, तो रख के जब काटते हैं तो ऐसे कुछ लोग, एक्सपर्ट लोग तो अंदाजे से ही काट देते हैं बिना मार्किंग, तो दैट ऑल्सो वर्क यस है ना। बट अगर कोई बहुत हाईली प्रिसाइज साइंटिफिक काम करना है तो वहां पे कोई अंदाजा थोड़ी चलेगा, देन यू विल नीड वेरी प्रिसाइज एरर फ्री इक्विपमेंट। तो ये सब चॉइसेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, एरर कितनी परमिसिबल है, ये सब चीजें एप्लीकेशन स्पेसिफिक होती हैं कि क्या आपको एप्लीकेशन है, उस हिसाब से ये सब चीजें गवर्न होती है बेटा। तो यही है मोटा मोटी, बाकी किसी को डाउट रहेगा तो अपन कल में पूछेंगे। अभी कोई डाउट है सडन तो आप पूछ सकते हो शगुन बेटा, अदरवाइज वी कैन ड्रॉप ऑफ। ओके सर, शगुन डाउट है बेटा? नो सर, ठीक है। अच्छा, मोटा मोटा आइडिया तो लग गया ना कि मेजरमेंट क्यों कर रहे हैं, एरर के कैलकुलेशंस क्यों कर रहे हैं, ये थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ठीक यस सर, है। अच्छा बेटा, एक चीज और भी है, मेरी क्लास में डरना नहीं है, अगर मैं